पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा के विशेष महत्व माने जा रहे हैं। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वे ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ संबंधों को बेहतर करने के लिए नहीं बल्कि इसके और भी खास मायने हैं। क्या इस यात्रा के मायने हैं, समझेंगे आज हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ब्रुनेई जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये पहली यात्रा है जी, तो सचमुच ये एक ऐतिहासिक यात्रा इस मामले में है कि 1984 में ब्रुनेई को स्वतंत्रता मिलती है यूके से, और उसके बाद से अभी तक भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री वहाँ तक नहीं गए। और ये कहा जा रहा था कि ये जो यात्रा इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की विदेशी नीति में एक नए तरह का शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट ये हुआ कि जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ हमारी नज़र नहीं जा रही थी, लेकिन उनका अपना रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है भारत के सुरक्षा के लिए, भारत के राष्ट्रीय हित के लिए। तो उस मामले में जैसे अभी रिसेंटली हमने पोलैंड को देखा और यूक्रेन को देखा कि यूक्रेन में 1991 के बाद कोई नहीं गया था, पहली ये यात्रा थी आदरणीय मोदी जी की, और पोलैंड में भी यही था। तो ब्रुनेई भी उसी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि देखते हैं कि आखिर ये महत्व क्यों है इस यात्रा का। ब्रुनेई का जो भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है, वो साउथ ईस्ट एशिया, जिसे हम एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया का, आसियान, जो 1967 में बना था, और उस आसियान का ब्रुनेई बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है आसियान कंट्री का। और भारत के 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दर्जा दिया जी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, जो ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, इनके साथ हम एक विशेष तरह का संबंध स्थापित करें, दैट मीन्स डीपनिंग आवर एनर्जी, इकोनॉमिक, ट्रेड एज वेल एज डिफेंस टाइज। हम हमारे सामरिक दृष्टि से साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया भारत के राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब ये जो एक्ट ईस्ट एशिया का जो कंसेप्ट आया जी, और इंडो पैसिफिक विजन, सो इंडो पैसिफिक विजन और एक्ट ईस्ट एशिया का ये डॉक्ट्रिन है भारतीय विदेशी नीति का। इस डॉक्ट्रिन में ब्रुनेई और सिंगापुर, ये दोनों बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। तो ये हो गया इसका जियोग्राफिकल कॉन्फिगरेशन जी। दूसरी बात, यदि हम बायलैटरल टाइज की करें तो ब्रुनेई एक ऑयल रिच कंट्री है। ब्रुनेई का 65% जो उसकी GDP है वो उसका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से होती है। और आप हम जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रुनेई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रुनेई से इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस फ्रॉम ब्रुनेई। सो ब्रुनेई से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को भी इम्पोर्ट करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेंसीफाई करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो स्ट्रेटजिक जो सिग्निफिकेंस है इस ब्रुनेई का, वो ये है कि बढ़ता हुआ चाइना का रोल। चाइना ने जिस तरीके से आसियान के एज ए मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ए मेंबर स्टेट्स, ईच एंड एवरी मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान कंट्री, चाइना हैज बीन डीपनिंग इट्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज विद ऑल नेशंस ऑफ आसियान। दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। भारत के लिए इट हैज फोर्स टू रीथिंक द काइंड ऑफ लिंकेज, द काइंड ऑफ एंगेजमेंट चाइना हैज विद ऑल एशियन नेशंस। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह यात्रा इस मामले में भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक एरिया में, और हमारे एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ब्रुनेई का अपना एक रणनीतिक महत्व है। बिल्कुल, जैसे हम बात करें ब्रुनेई जाने की, तो ऐसा क्या है कि सर 78 सालों बाद कोई पीएम है जो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं भारतीय, तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये 84 में ब्रुनेई को वहाँ वो मिलती है, आज़ादी मिलती है, और 84 के बाद अब हम ये
40वां एक एनिवर्सरी बायलैटरल रिलेशन की मना रहे हैं जी। तो जैसे मैंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, छोटे छोटे जो कंट्री हैं, इंडिया के लार्जर फ्रेमवर्क में फॉरेन पॉलिसी के डॉक्ट्रिन में बहुत बड़ा रोल नहीं रखते थे, और हम कहीं ना कहीं जो बिग जो मेजर पावर्स हैं वहाँ पर फोकस करते रहे। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम टू री इन्वेंट इंडियाज़ मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रस्पेक्टिव इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू इनगेज इवन अ स्मॉलर कंट्री, बिकॉज ईच इवन अ स्मॉलर कंट्री हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि इकोनॉमिकली ऑयल रिच रीजन है ब्रुनेई, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है कि हमें एनर्जी एज एनर्जी कंज्यूमर कंट्री हमें एनर्जी चाहिए, तो और हम क्रूड ऑयल वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आप कह सकते। दूसरे सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है कि आदरणीय मोदी जी ने क्या किया कि दुनिया में जहाँ भी जाते इंडिया को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, उनका जो इंडिया कनेक्ट का ये जो फिलॉसफी है इंडियन डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। और उसी देश में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि नाउ वी आर इंडियंस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमी। हमारे भारतीय लोग हैं जो आपकी इकोनॉमी को, आपके नेशन स्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही बात ब्रुनेई पर भी लागू होती है। आज आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ लोगों में उत्साह है स्वागत करने के लिए, वो इसलिए भी कि पहली यात्रा है। और दूसरा ये भी है कि एक रिकॉग्निशन मिलता है। नाउ ब्रुनेई इज गेटिंग रिकॉग्निशन अ कंट्री लाइक इंडिया दैट हैज अ लार्जर नो ग्लोबल वेट, जिसका अपने लार्जर ग्लोबल वेट है, और दैट हैज इमर्ज्ड एज अ ट्रिबल शूटर इन ऑल जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड। तो जितने भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड हो रहे हैं, जितने भी वॉर्स हो रहे हैं, इंडिया इज नो इमर्जिंग जस्ट लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर कंट्री। तो उस कॉन्टेक्स्ट से ये छोटे छोटे देशों को एक थ्रेट रहता है कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन हमेशा चाइना यूएस के बीच में रहता है, ट्रेड को लेकर के, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के। तो इन कॉन्टेक्स्ट में ये छोटे देश भारत को एक कम्फर्ट जोन के रूप में देखते हैं, भारत से सहज रहते, असहज नहीं रहते हैं। जब बड़ी शक्ति से जैसे चाइना का एक्सपेंशनिज्म है, चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, दे आर वेरी अवेयर एंड नो हेजिटेंट टू इंगेज मोर एंड मोर विद द चाइना एज वेल एज द यूएस। उनको डर लगता है कि अभी इंगेज कर रहे हैं, इसके बाद फिर वो चाइना अपना एक्सपेंशन करेगा। तो इंडिया के साथ वो कम्फर्ट जोन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ब्रुनेई के विधि परस्पेक्टिव से देखा जाए तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज स्पेशल यूफोरिक सेंटिमेंट इन ब्रुनेई टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी। बिल्कुल, ब्रुनेई के बाद सर बात हो रही है कि सिंगापुर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री, उसके क्या मायने होंगे, देश के लिए कितना खास हो सकता है? देखिए, पूरी आसियान कंट्री में सिंगापुर बहुत इम्पोर्टेंट, इंडिया के साथ एक उसका हमारे पार्टनर है। पूरे आसियान में सिंगापुर का एक अपना इकोनॉमिक वेटेज है, सबसे ज़्यादा GDP रखने वाला कंट्री है। एज ए इकोनॉमिक ग्लोबल पावर हाउस की बात करें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमने देखा कि वहाँ की GDP, वहाँ का पर कैपिटा इनकम, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए हब ऑफ लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। वो कंट्री नाउ रेडी टू इंगेज मोर एंड मोर एक्सटेंसिवली इंगेज विद इंडिया। और इंडिया ने हमेशा अभी ये विजिट के पहले ही इंडिया का टॉप डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, यू नो हमारे जो अर्थ जो हैं रेलवे मिनिस्टर, सारे लोग गए वहाँ पर और वहाँ मीटिंग की, राउंड टेबल डिस्कशन में वहाँ गए थे सिंगापुर में। तो सिंगापुर दो कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट बात के लिए, एक तो ट्रेड, और हमने देखा कि इंडिया इज इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हब, और इस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है सिंगापुर के। सिंगापुर इज फुली रेडी टू एक्सटेंड सपोर्ट। सेकेंड, सिंगापुर इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में सेमीकंडक्टर को लेकर बात चल रही है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंगापुर में होंगे तो हमारे उनके साथ एक MOU होगा दैट विल इन्हांस सेमीकंडक्टर ज्वाइंट वेंचर। सो कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को लेकर के
और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, डिफेंस बहुत अच्छा है अपने साथ सिंगापुर के साथ। हमने देखा है कि हमारा जो नेवल है जॉइंट एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ होता है, तो सिंगापुर एक कह सकते हैं कि इंडिया में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिंगापुर की तरफ से हो रहा है जी। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकली यदि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जो UPI का हमारा कंसेप्ट है कहीं ना कहीं दोनों के साथ उसमें भी बात चल रही है। तो सिंगापुर इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री, और वो कंट्री नाउ इज़ रेडी टू एक्सटेंड या टू शेयर हैंड विद इंडिया। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि साउथ ईस्ट एशिया में इतना अच्छा कंट्री जो है जो पीसफुली है, और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लार्जेस्ट ट्रेड वहाँ से होता है। और यदि चाइना की बात करें तो टू काउंटर द चाइनीज थ्रेट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, इस पूरे के पूरे कंटिनेंट में यदि सिंगापुर जैसे कंट्री भारत के साथ है तो ये भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बहुत बड़ा बात है। सर, ऐसा सुना जा रहा है कि SCO सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को पाकिस्तान में आने का निमंत्रण दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि PM मोदी वहाँ का दौरा करेंगे? देखिए, SCO में कई बार ऐसा हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी समिट में नहीं गए हैं इसके पहले भी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को लेकर के अभी दो ही दिन पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि नाउ द अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर विद पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के साथ ये जो बातचीत चलती रहती थी टाइम टू टाइम, नाउ दिस अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। ये एक बहुत बड़ा पॉज है, एक शिफ्ट इंडियन फॉरन पॉलिसी में पाकिस्तान को लेकर के, नाउ टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। ये बात हम कहते आए हैं, इंडिया हैज बीन सेइंग, इंडिया हैज बीन क्लेमिंग। हैविंग सेड दैट, इंडिया ने कहा क्या कि देखिए अब जो टाइम आ चुका है आपके साथ वो ये है कि एवरी एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप यदि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, टेररिज्म एज एक्सपोर्ट आप करोगे, कश्मीर पर यदि आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो आपको बहुत ढंग से जवाब दिया जाएगा। तो टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है, और पाकिस्तान के साथ नाउ द टाइम हैज कम टू स्विच द बटन। और यही बात यह है कि आई डोंट थिंक सो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे और SCO बैठक में। हाँ, इतना जरूर है कि इसका मतलब ये नहीं कि SCO जो एज ए ट्रांस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इस पर भारत इसको हल्के में लेता है। बात इंडिया डज नॉट नो सी SCO एज चाइना लिड ऑर्गेनाइजेशन, इज द डोमिनेंस ऑफ द चाइना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए इंडिया इसको बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता है। SCO में रशिया की जो भूमिका है, इंडिया की अपनी एक भूमिका है। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में हो रहा है तो इंडिया का यदि प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, यदि नहीं जाते हैं इट डज नॉट मीन कि SCO हमारे लिए बहुत कम वेटेज रखता है। बिल्कुल, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अब आपके साथ डायलॉग का हम बहुत बड़े एंकर हैं। इंडिया इज हैज बीन द टॉप एंकर ऑफ डायलॉग डिप्लोमेसी, बट नाउ दिस डिप्लोमेसी इज वेरी स्पेसिफिक टू यू, वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर टू यू टू इंगेज विद यू ऑन टर्म्स ऑफ द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। फॉर यू आर डायलॉग प्रोसेस इज डिफरेंट एंड दिस डिफरेंट इज अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। आपने सर इतनी अच्छी जानकारी दी PM मोदी की यात्रा के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसी और भी जानकारी के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।